का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र में काले दिन के रूप में माना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता ने अपनी पद को बचाने के लिए आज के दिन लोकतंत्र की हत्या की थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इतिहास के पन्नों में दर्ज 25 जून 1975 ही वो दिन है जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, जिसे डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और अब 25 जून 2023 को आपातकाल को पूरे 48 साल बीत गए हैं। इस मौके पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज ही के दिन देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी घोषित हुई थी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इस दिन को काले दिन के रूप में भी माना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए आज के दिन लोकतंत्र की हत्या की थी, इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूँ। उनका बयान सुनिए। का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र में काले दिन के रूप में माना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता ने अपनी पद को बचाने के लिए आज के दिन लोकतंत्र की हत्या की थी, और इसलिए इस कृत्य की मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। और सारा देश इस बात को जानता है कि कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने, जिनके परिवार ने, जिनकी पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, वो आज लोकतंत्र की वकालत करते हैं, यह बहुत ही हास्यास्पद है। वहीं मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी जी 27 तारीख को प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान वो भोपाल और शहडोल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनकी यात्रा सुखद और सफल रहेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आगमन 27 तारीख को होने वाला है। वो भोपाल भी रहेंगे, शहडोल भी रहेंगे, और मैं समझता हूँ उनकी यह यात्रा सफल रहेगी और सुखद रहेगी। दल की दृष्टि से भी दल को मजबूती मिलेगी, और शहडोल में ये मिशन का शुरुआत वो कर रहे हैं, उसका भी लाभ प्रदेश के लाखों लाख लोगों को मिलेगा। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा एक बयान सामने आया है, उसमें कहा गया कि देश में जो पहले इमरजेंसी लागू किया गया था, अब देश उस तरफ जा रहा है। इस बयान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव जैसे लोग पद भ्रष्ट हो गए हैं और इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। आज देश का लोकतंत्र काफी मजबूत है और हमारी व्यवस्था को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अखिलेश यादव जी जैसे लोग स्वयं पद भ्रष्ट हो गए, इसलिए उनको ऐसा सोचने में आता है। आज देश का लोकतंत्र मजबूत है, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र हमें, सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र हमें, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सारी दुनिया में सराहा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, रिपोर्ट मुरैना से संतोष शर्मा ने भेजी है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।